शीघ्र और आप मंच पर पदार्पण करेंगे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री पुष्कर सिंह धामी जी आपके बीच और आपसे आत्मी भाव से जुड़ने के लिए जिन्होंने अपने कठोर और अनुकरणीय जनहितकारी निर्णयों से कानूनों से उत्तराखंड की सेवा का एक संकल्प लिया है विकल्प रहित संकल्प उसके हमारे शिखर पुरुष श्रद्धेय श्री पुष्कर सिंह धामी जी के आगमन पर आज हमारा जिला मुख्यालय गोपेश्वर आगे के मंच संचालन के लिए खंडूड़ी जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर धामी जी हमारे बीच उपस्थित है। आपसे अनुरोध है कि परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास होना है। मेरे मंच के बाईं तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से कुल 229 करोड़ 31 लाख रुपए की गौरवमयी उपस्थिति प्रदान करें। आदरणीय योजनाओं का है। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत 138 करोड़ 90 लाख लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास जबकि माड़ा मास्टर प्लान के अंतर्गत 28 करोड़ 55 लाख लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। एक बार पुनः बहुत लंबे समय से शहर को प्रतीक्षारत लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जनपद चमोली की के कल्याणार्थ 229 करोड़ 31 लाख रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है। इसमें बद्रीनाथ मास्टर प्लान माड़ा मास्टर प्लान जल जीवन मिशन की विभिन्न परियोजनाएं सम्मिलित है। जो शिलान्यास है वो कुल 185 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत की परियोजनाओं का हो रहा है जबकि लोकार्पण 44 करोड़ 13 लाख रुपए लागत की परियोजनाओं का माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कर कमलों के द्वारा आपके साथ जो गौरवमयी उपस्थिति है वो है माननीय प्रदेश अध्यक्ष और हाल ही में राज्यसभा में चमोली जनपद से पहली बार को प्रतिनिधित्व राज्यसभा के रूप में चुने गए आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, माननीय सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी, माननीय विधायक लौटिया जी करणप्रयाग से, माननीय विधायक आदरणीय भोपाल राम कविता जी थराली से, माननीय जिलाध्यक्ष श्री रमेश मैखुरी जी, माननीय उपाध्यक्ष उत्तराखंड जलागम परिषद श्री रमेश गढ़िया जी आपके साथ हैं। इसके अतिरिक्त मंच पर जिन सम्मानित व्यक्तियों की गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति है
माननीय लोकसभा प्रभारी श्री पुष्कर काला जी, पूर्व विधायक पराली श्रीमती मुन्नी देवी जी, बीकेटीसी के उपाध्यक्ष श्री किशोर पवार जी, संयोजक लोकसभा श्री विजय कपड़वार जी, जिला महामंत्री श्री राकेश जोशी जी, निवर्तमान अध्यक्ष नगर पालिका श्रीमती पुष्पा पासवान जी, संयोजक विधानसभा बद्रीनाथ गजेंद्र रावत जी, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका गोपेश्वर श्री संदीप रावत जी, कर्नल हरेन्द्र सिंह रावत जी, प्रदेश सह संयोजक सैनिक प्रकोष्ठ उत्तराखंड, एवं चंद्रकला तिवारी जी जो कि गढ़वाल संयोजक है, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। माननीय पुष्कर धामी जी, यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन, आपके द्वारा 229 करोड़ 31 लाख रुपए की कुल परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है। चमोली जनपद गौरवान्वित है आपकी इस गौरवमय उपस्थिति से। एक स्वागत शासन और प्रशासन के मिलन से आम जनता तक ये पहुंच रहा है, और यही माननीय प्रधानमंत्री जी की भी भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करने की जो योजना है उसी के अंतर्गत। इसी बीच एक और गौरवमय उपस्थिति मंच पर श्री प्रकाश थपलियाल जी जो कि मंडल अध्यक्ष हैं दसौली के, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। इस प्रकार 229 करोड़ 31 लाख रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास, साथ में जो स्वीप टीम है स्वीप चमोली का निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री जी आप पधारे, श्री
स्वागत आगत स्वागतम हम शब करते स्वागतम हम शब करते स्वागतम पूज्यवर मुख्यमंत्री दर्शन पाकर पूज्यवर मुख्यमंत्री दर्शन पाकर करते स्वागत दिल से गाकर करते स्वागत दिल से गाकर प्रेम फूलों की माला पहनाते हम प्रेम फूलों की माला पहनाते हम स्वागत आगत स्वागतम स्वागत आगत स्वागतम हम शब करते स्वागतम हम शब करते अभागतम मुखियारी से विनती विनती हमारे मुखियारी से विनती हमारे जनता के सुख में करते काम जनता के सुख में करते काम आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे स्वागत आगत स्वागतम स्वागत आगत स्वागतम हम स्वामी जी को जय श्री राम जय श्री राम बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प गुच्छ भेंट करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री रमेश लखुरी जी, आप यशस्वी लोकप्रिय और जनता के मुख्यमंत्री माननीय धर्मेंद्र जी को पुष्प गुच्छ भेंट करने की कृपा करेंगे। श्री रमेश गढ़िया जी, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धर्मेंद्र जी को पुष्प गुच्छ देते हुए जनपद के जिलाधिकारी आदरणीय श्री हिमांशु खुराना जी से अनुरोध है कि प्रतीक चिन्ह के साथ आज की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के लिए माननीय धामी जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे आदरणीय जिलाधिकारी चमोली श्री हिमांशु खुराना जी। हमारे बीच माननीय प्रदेश अध्यक्ष और चमोली जनपद से पहली बार राज्यसभा का प्रतिनिधित्व मिला है जिन्हें आदरणीय महेंद्र भट्ट जी है। आपके पुष्पगुच्छ है तो आदरणीय अनिल नौटियाल जी जो कि कर्पिया विधानसभा क्षेत्र से माननीय विधायक हैं श्री अनिल नौटियाल। आप माननीय प्रदेश अध्यक्ष और दो अलग अलग विधानसभाओं से भी आप पूर्व में उधर बैठो एमएलए रहे हैं और वर्तमान में आप राज्यसभा के सांसद है गौरवशाली क्षण। आपको प्रतीक चिन्ह देने के लिए आमंत्रित है जनपद के सीडीओ सर श्री अभिनव शाह जी, आप आए और श्री महेंद्र भट्ट जी को इन पलों को चिरस्थायी बनाने के लिए प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। आमंत्रण है आदरणीय श्री भूपाल राम टंडा जी को कि आप पुष्प गुच्छ के साथ गढ़वाल के लोकप्रिय सांसद पूर्व मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी का स्वागत और अभिनंदन पुष्प गुच्छ के साथ करते हुए और एडीएम सर श्री विवेक प्रकाश सर से अनुरोध रहेगा कि आप आए और पूर्व मुख्यमंत्री एवं गढ़वाल निर्वाचन क्षेत्र से सांसद आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करने की कृपा करेंगे एडीएम श्री विवेक प्रकाश जी। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सभी माननीय अतिथियों से अनुरोध कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अब मैं समय की अपनी सीमा है उस क्रम में स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ थराली के विधायक माननीय आदरणीय भूपाल राम टंडा जी को कि आप आए और मंचासीन मुख्य अतिथियों का स्वागत करने की कृपा करेंगे। हवा क्या है भगवान गोपीनाथ की इस पावन माटी को मां
पानशिला की इस भूमि को आज प्रणाम करते हुए अपार हर्ष का विषय है कि आज हमारे मध्य हमारे प्रदेश के देवभूमि उत्तराखंड के यशस्वी ऊर्जावान और जिनका चिंतन जिनकी सोच देवभूमि उत्तराखंड को निरंतर आगे बढ़ा रही है ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आज हमारे मध्य हैं। मैं पूरे क्षेत्रवासियों की ओर से अपनी मातृशक्ति की ओर से अपने युवाओं की ओर से अपने बुजुर्गों की ओर से और मैं अपने व्यापारियों की ओर से कर्मचारियों की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के समस्त परिवार की ओर से अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ। मुझे केवल स्वागत करना है और आज हमारे मध्य हमारे क्षेत्र के पूर्व में विधायक रहे आज हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष है और सौभाग्य है गोपेश्वर का जनपद चमोली का कि आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी राज्यसभा के सांसद बने हैं। मैं उनका भी हृदय से और पूरे क्षेत्रवासियों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं। मुझे एक खुशी और आज हुई है कि हमारे बहुत ही शांत स्वभाव के सरल स्वभाव के एक ऐसे व्यक्ति जिनसे हमने हमेशा सीखने की कोशिश की और हम आज भी सीखते हैं ऐसे सरल स्वभाव के धनी हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय तिलक जी का मैं हृदय की गहराई से अभिनंदन ही नहीं मेरी भावनाओं को आप समझ रहे होंगे इस बात को मैं उनका हृदय से धन्यवाद और गोपीनाथ की माटी को गोपीनाथ का धन्यवाद करता हूँ मानसिया का धन्यवाद करता हूँ और लाखों लाखों लोगों की भावनाओं का भी मैं आज धन्यवाद करता हूँ। मेरे बीच मेरे बड़े भाई आदरणीय कंटा के बहुत ही लोकप्रिय सरल स्वभाव के धनी हमारे बड़े भाई आदरणीय अनिल लोटियाल जी मेरे बीच चैनल उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी के मुखिया संगठन के हमारे जिला अध्यक्ष आने श्री रमेश मैथिली जी मैं आपका भी स्वागत करता हूं और यहां पर हमारे आदरणीय श्री रमेश गड़िया जी जो कि राज्य मंत्री के दायित्व से जिनको सम्मानित किया गया है मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। यहां पर हमारे इस लोकसभा के सह प्रभारी और इस जनपद के जो प्रभारी भी रहे ऐसे आदरणीय श्री विजय कपड़ान जी मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। बहुत सारे मेरे दूसरे पंक्ति हमारे इस लोकसभा के जो प्रभारी आए हैं मेरी अभी उन पर कल रात में उनका फोन आया था बहुत ही सरल और मेरा धाम गढ़वाल लोकसभा का एक सौभाग्य भी है कि पुष्कर कालाजी जैसे प्रभारी इस लोकसभा को मिले हैं। मैं आपका भी हृदय से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे बहुत सारे हमारी बहन पूर्व जिला अध्यक्ष रही है तिवारी बुआई है हमारे पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष संदीप रावत जी आए हैं। यहाँ पर हमारी बहन पुष्पा पासवान जी आए हैं हमारे पूर्व विधायक आदरणीय श्रीमती मुन्नी शाह जी आए हैं हमारे कर्नल हरेंद्र रावत जी आए हैं और बीकेडीसी के उपाध्यक्ष जी आए हैं। मैं आप सब लोगों का मैं जितने भी विराजमान है मैं सब लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ और प्रणाम करता हूँ अपने क्षेत्र की मात्र शक्ति को। इतनी अपार संख्या में आपने आकर के जिस भावना से जिस श्रद्धा से आज आप लोग यहाँ पर आए हैं मैं एक बार पुनः अपनी मातृशक्ति को अपने युवाओं को अपने बुजुर्गों को इस क्षेत्र के उन प्रबुद्ध जनों को प्रणाम करना चाहता हूँ कि आपके सानिध्य से आपके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने वो सारे मिथक तोड़े हैं और आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो हमारा अमृत काल था और जो हमारे हम सब लोगों का सौभाग्य है इस देश का नेतृत्व आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं जिनका एक ही ध्येय था सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। आज हम 10 सालों में कह सकते हैं पूरा देश नहीं विश्व इस बात को कहता है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और इस बात का मैं आप लोगों के सामने इस बात को इसलिए रख रहा हूं कि ये अवसर आप लोगों ने दिया ये हमारे क्षेत्र की माता शक्ति ने दिया बुजुर्गों ने दिया युवाओं ने दिया व्यापारियों ने दिया। मैं आप सब लोगों को प्रणाम करते अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भोपाल कंता जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में गढ़वाल से निवर्तमान सांसद आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी। बहुत सहज सरल और सौम्य स्वभाव के व्यक्तित्व हैं। आप आइए
और यहाँ की जनता को संबोधित करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, पुष्कर धामी, भारत माता की, आप सबकी जय। अभी तो सांसद है भाई, इन्होंने मुझे निवर्तन कह दिया पहले ही, अभी मेरा टाइम है भैया, अभी तो मई के महीने तक सरकार बननी है, तब तक हम ही है, फिर नया दौर शुरू होगा अभी कुछ दिनों बाद ही। चलिए अपने आज के स्वागत के लिए आप सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और इतनी बड़ी संख्या में ये जो पुलिस का मैदान है ना, इसको कार्यक्रम करने के लिए इसमें सोचना पड़ता है, नहीं तो बस अड्डे कार्यक्रम बड़े बड़े चुनावी तो वहीं होंगे, अब दौर चलेगा, लेकिन इसके लिए सोचना पड़ता है। और यार जो खचाखच भरा है, ये जो हमारे मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व है और जो उनका स्वभाव है और जो प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम जिस तरह उन्होंने किया है, प्रदेश को विकास को ले जाने का काम, ऐसे संघर्षी जुझारू कर्मठ विद्यार्थी जीवन से ही समर्पित ऐसे समाज के लिए ऐसे लोकप्रिय जनप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, मैं आपका हृदय से और यहाँ की जनता की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप ही के बीच के आपके लोकप्रिय और जिन्होंने लगातार दो तीन बार यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है, आज भी आपके चेते हैं और आप सबका सौभाग्य है कि चमोली जिले से शायद पहली बार कह सकता हूँ ना, राज्यसभा में पहुंच रहे हैं। ये केवल भारतीय जनता पार्टी सोच सकती है भाई, आपके कोई नहीं सोच रहा है इतने दिनों से, इतने वर्षों से। ऐसे अपने प्रदेश के अध्यक्ष राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्य आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे जिले के जुझारू कर्मठ संघर्षशील हमारे अध्यक्ष माननीय रमेश मैथुरी जी, हमारे कर्णप्रयाग के सम्मानित विधायक श्रीमान अनिल नौटियाल जी, हमारे थराली के सम्मानित विधायक जिन्होंने अभिनंदन किया अभी, ऐसे श्रीमान भोपाल राम टमटा जी, हमारे विद्यार्थी परिषद में संगठन मंत्री रहे, राष्ट्रीय महामंत्री रहे और वर्तमान में दायित्वधारी हैं राज्य मंत्री के रूप में श्रीमान रमेश गढ़िया जी, हमारे बीच में इस नगर पालिका की पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बहन पासवान जी, हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमान संदीप जी, हमारे बद्रीनाथ मंदिर समिति के सम्मानित उपाध्यक्ष श्रीमान किशोर जी, हमारे अपने वरिष्ठ संदीप जी गजराज, हाँ महेंद्र जी भट्ट जी हमारे घर सभी सम्मानित मंच कह दो सेगर्त के अध्यक्ष जी, और सभी सम्मानित, मैं नाम लूंगा तो वास्तव में सबका नाम जानते हुए, सामने भी जो बैठे हैं उनको भी नाम बहुत सारे जानते हुए भी समय का अभाव है, जो सभी मेरे सम्मानित वरिष्ठ कनिष्ठ जन बड़ी संख्या में उपस्थित मातृशक्ति, यहाँ के DM CDO SSP उनकी टीम, क्योंकि ये कार्यक्रम सरकारी भी है, उन लोगों की भी मेहनत है, आपकी भी मेहनत है, ऐसे उपस्थित बहनों भाइयों
और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सम्मानित पत्रकार मित्रों, आप सबको मेरा नमन और प्रणाम। मां गोपीनाथ के धरती पर हम सब लोग हैं। मित्रों, बहनों, भाइयों, 2-3 दिनों में आचार संहिता लग जाएगी, फिर चुनावी जंग में जाएंगे। लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने क्या किया, उन उपलब्धियों का, उन लाभार्थियों का जो सम्मान किया है, वो सब आपके सामने है। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह देश ने तो दुनिया के अंदर डंका बजाया है, विकास के कारण, कामों के आधार पर, जहां पहले भी यहां का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कहीं बाहर के देशों में जाते थे तो 50 से 55 वर्षों का कालखंड वो रहा कि कोई पूछने को तैयार नहीं होता था। लेकिन नया भारत, नया युग, इस प्रकार का जो प्रधानमंत्री मोदी जी लाए हैं, आज देश नहीं तो दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी को वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नतमस्तक होते हैं, सलूट करते हैं और बगल में फोटो खिंचाने के लिए लालायित होते हैं। जबकि पहले कभी ऐसा नहीं होता था, राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री पहले का भारत था उसको दोयम टाइटल के पीछे खड़ा कर दिया जाता था। यह परिवर्तन आया है और विकास के आधार पर कोविड का दौर चला। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने 140 करोड़ आबादी के देश को, लोगों को राहत देने का काम किया है। बड़े बड़े देश बोल गए, लेकिन भारत का जनमानस को राहत देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किया, वैक्सीन 100% लगाए तो बाहर के देशों को भी भेजना शुरू किया, पीपी किट हमारे पास नहीं होते तो पीपी किट तैयार करके भी और अपने देश को भी दिया तो बाहर के भी देशों को भी भेजने का काम किया। तो इतना ही नहीं, तो मैंने तो दौर भी देखा है जब हम लोग सब घरों के अंदर कैद थे और एक प्रशासन हमारा पूरी तरह लगा था, घर घर में राशन पहुंचाने का काम कर रहा था गरीब कल्याण योजना के तहत, और आज वो योजना चल रही है। इस आधार पर पूरे भारत विश्व का नंबर वन देश और सर्वमान्य प्रधानमंत्री नेता कहलाने लग गया। लेकिन गाड़ी यही नहीं रुकती, गाड़ी और आगे बढ़ती है। 75 वर्ष देश की आजादी के मनाए हम लोगों ने, लेकिन उससे आगे प्रधानमंत्री मोदी सोचते हैं। पहले कभी नेता आता था तो आपको झुटला करके अपनी सत्ता हासिल करता था, अपने मौज मस्ती करता था, समाज की चिंता नहीं करता था, देश भूल जाता था, समाज भूल जाता था। लेकिन देश का प्रधानमंत्री रात दिन भी लगा है तो समाज के लिए लगा, देश के लिए लगा है। जब देश परम वैभव की ओर बढ़े तो वही आने वाला 100 वर्ष आजादी का जब हम 2047 का जश्न मनाएंगे तो अपनी संस्कृति होगा, अपना कल्चर होगा, अपना कानून होगा, गुलामी का कानून समाप्त हो जाएगा, भारत का कानून होगा और वसुधैव कुटुंबकम पूरे विश्व की चिंता करने वाला यह भारत बनेगा और पूरा दुनिया भारत के पीछे खड़ी होगी, चलेगी। यह प्रधानमंत्री देश का कर रहे हैं, उस ओर चल पड़ रहे हैं। विकसित भारत। मित्रों, बहनों, भाइयों, उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी जी के उसमें हमारा उत्तराखंड के नौजवान जुझारू शंकर सिंह कुछ करने की जो क्षमता रखते हैं, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हर दिन पूरी तरह उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए लगे रहते हैं, देश के अंदर विभिन्न राज्यों में बहुत सारी चीजों में नंबर वन कहलाने वाला यह राज्य बन चुका है, वो पुष्कर धामी को कह जाता है। अभी आपका समान नागरिक संहिता आया है, समान नागरिक संहिता पहला प्रदेश होगा जो इस कानून को लाया है, और उसके लिए उसका धामी जी को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं जब पार्लियामेंट चल रहा था, पार्लियामेंट के बाहर आ रहा था तो ऐसे ही आते ही हाउस से बाहर पत्रकार मित्रों की कतार लगी हुई, वो मेरे पीछे, मैंने कहा आपकी आज जरूरत है भाई, आज मुझे क्यों आप इस तरह घेर रहे, मैंने आज आपकी की जरूरत है, क्योंकि पुष्कर धामी जी की कैबिनेट समान नागरिक कानून लाई है, पहला देश भारत के अंदर प्रदेश बना है देश के अंदर। और मैंने उसी समय पत्रकार मित्रों को कहा था पहला प्रदेश बना है, आज पुष्कर धामी जी हमारे मुख्यमंत्री जी कैबिनेट में लाए हैं, पास हुआ है, सबको समान नागरिक, सबको समान अधिकार देने का काम जो हुआ है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साधु। नगर कानून बना जहां नंबर दो रास्ते से आते थे, आज उसको कानून को लाने का काम भी जिस तरह धामी जी ने किया है, योग्य नौजवान आए
और योग आएगा तो सही प्रशासन चलेगा। ऐसा इस प्रकार के कानून बहुत सारे काम, तो प्रधानमंत्री मोदी जी, बहनों का समूह, लाभार्थी, ये सारे चीजें तो चलाइए। तो मुख्यमंत्री जी ने बढ़ चढ़ करके उससे भी 100% करने का जो काम किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद और आपका भी सरकार का जो करना जो आप प्रदेश के अंदर किए हैं, ऐसा काम मैं कह सकता हूँ कि ऐतिहासिक इस प्रकार के काम हुए हैं। बहुत सारे काम हमारे प्रदेश के अंदर आगे हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। इतना ही कहते हुए मैं उन सारी लखपति दीदी, सारे लाभार्थियों का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्हीं की तरह और भी लोग सीख लें, आगे बढ़े और मुख्यमंत्री जी उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इतना ही कहते हुए हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो तीसरी बार बनने जा रहे हैं, और हमारा उनके उसमें नेतृत्व में हम चल रहे हैं, हमारा मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से इस प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। मैं इसी के साथ में आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं और साधुवाद देता हूं और पुनः आपकी तरफ से और अपनी ओर से हृदय से मुख्यमंत्री का साधुवाद, धन्यवाद, हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, नमस्कार, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सांसद महोदय का। त्रुटि होना मानवीय है, आप क्योंकि सहज और सरल सौम्य व्यक्तित्व के हैं, मैं अपनी बड़ी विनम्रता के साथ जो स्लिप ऑफ टंग हो गया था उसके लिए क्षमा चाहूंगा। अब आमंत्रित है मंच पर जनपद चमोली से पहली बार राज्यसभा के लिए चयनित आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं और दो अलग अलग विधानसभाओं से विधायक भी रहे हैं, माननीय महेंद्र भट्ट जी। बोले भारत माता की। हम लोग तिब्बत बॉर्डर के समीप हैं और हमारे सैनिक वहां पर हैं। हम दिल से बोल रहे हैं, मुंह से कम लोगों ने बोला है, ये सब लोग बोलेंगे भारत माता की। गोपीनाथ जी की इस पुण्य भूमि पर आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनका जो प्रभाव है वो मैं आजकल अपनी आंखों से देख रहा हूं। हर जनपद के अंदर इतनी बड़ी संख्या में जो जन समर्थन प्राप्त हो रहा है उसी व्यक्ति को मिलता है जिसका कृतित्व से लोग वाकिफ होते हैं। आज मैं कह सकता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का नाम पुष्कर है, लेकिन पुष्प के समान है, और इस नाते मैं मान रहा हूं कि मेरे नेतृत्व द्वारा निर्णय लिया गया इस प्रदेश के विकास के लिए पुस्तक धामी जो कार्य किए जा रहे हैं वो अपने आप में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। मैं अपनी ओर से मेरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, मुख्यमंत्री जी आपका हृदय से अभिनंदन, स्वागत करता हूं। मंच पर हमारे लोकप्रिय सांसद, पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री, मेरे बड़े भाई आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। हमारे संगठन के सम्मान्य जिलाध्यक्ष रमेश महपुरी जी, हमारे दोनों अपने क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक अनिल जी, टमटा जी और सम्मान्य मंच, हमारे रमेश गड़े जी बैठे, सबके नाम में समय लगेगा, सम्मान्य मंच को संबोधित कर रहा हूं। और दूर दराज क्षेत्र से आई मेरी मातृशक्ति, युवा साथियों, पत्रकार बंधु मित्रों, लाभार्थी सम्मेलन की चर्चा होती है तो मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन मिलेगा। मैं एक बात के लिए मुख्यमंत्री आपका और आभार व्यक्त करता हूं। एक चर्चा यहां पर की गई कि आजादी के बाद पहली बार सीमांत क्षेत्र के किसी बालक को आपने स्थान दिया है। मैं अपनी ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। इस नाते में कि व्यक्तिगत मेहनत का सम्मान हुआ है, मैं जानता हूं सीमांत क्षेत्र के अंदर जो अपेक्षाएं हैं लोगों की, उन अपेक्षाओं को सम्मान देने का कार्य एक मुख्यमंत्री का आपने किया है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का अपने नेतृत्व आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे जैसे साधारण कार्यकर्ता को आपने जिम्मेदारी मुझे दी है। मैंने पहले भी कहा है कि जब मैं सीमांत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, भगवान विशाल का आशीर्वाद लेकर मैंने काम किया है, तो मेरा प्रयास होगा मेरे से ऐसा कोई काम ना हो।
जिससे मेरे क्षेत्र की जनता की आंखें नीचे झुके। मेरा पूरा प्रयास रहेगा, जितनी मेरी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से आपके साथ खड़ा हूं। मित्रों, लाभार्थी सम्मेलन की जो चर्चा होती है, एक बात मैं सबसे कहता हूं, भारत वर्ष का ऐसा कोई नागरिक नहीं है जिसको मोदी जी ने कोई ना कोई लाभ न दिया। हर व्यक्ति सोच सकता है, बहुत लंबी चर्चा न करूं, मैं केवल कोरोना काल की चर्चा करता हूं। सोचे कैसा माहौल था, हमसे समृद्ध राष्ट्र जहां पर बच्चे को मां नहीं मिल पा रही थी, पति पत्नी से मिल नहीं पाती थी, ऐसी बीमारी जिस बीमारी का अंत भी कभी होगा कभी कल्पना नहीं की थी, और भारत जैसा देश जहां स्वास्थ्य सुविधाओं का उतना प्रभाव जिस रूप में चाहिए था वो नहीं था, डर था, भय का वातावरण था। सोचिए वो महापुरुष जिसे हमसे कहा थाली बजाओ, दिए जलाओ, हमने उस सब काम किया और एक दिन आया देश के अंदर दवा बनी और एक एक नागरिक को फ्री दवा का इंजेक्शन लगाया। आज व्यक्ति बड़ी संख्या में हम सब लोग सुरक्षित स्थान पर हैं तो देश के प्रधानमंत्री जी की बदौलत है। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि लाभार्थी अनेकों लोग चर्चा करते राजनीतिक क्षेत्र में चर्चा करते हैं और कहते हैं कि मोदी जी ने कहा 15 लाख खाते में आएंगे। मैं आपको दावे से कह रहा हूं, अगर अटल आयुष्मान कार्ड उसकी अगर 2 साल इलाज किसी ने कराया हो, भगवान न करे किसी बीमारी लगे, तो 10 लाख रुपए एक साथ उसको लाभ मिला है। जिसके घर में गैस का चूल्हा नहीं था, गैस मिला है। और मैं आप कह सकता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी सरकार के रहते हुए आपके द्वारा आज मेरा देवभूमि के हर घर में बिजली का कनेक्शन है, आज मेरे देवभूमि के हर घर के अंदर गैस का चूल्हा है, आज मेरे देवभूमि के हर घर के अंदर मोबाइल कनेक्टिविटी है। हर चीज जिसकी आज आवश्यकता थी वो मेरे देवभूमि के हर परिवार के अंदर, यही तो लाभ है, यही सरकार है। और आज के युग में विकास अब भाषणों से नहीं होता है, आज का जनमानस विकास अपनी आंखों से देख रहा है। और यह भी सत्य है, ये सरकार ऐसी सरकार है जिस जो बोलती है उसका शिलान्यास भी करती है, उसका उदाहरण भी करती है। आप 2000 करोड़ से ज्यादा की शिलान्यास लोकार्पण आपके द्वारा यहां पर किया गया। मैं तो पूछ रहा था धामी जी का व्यक्तित्व अगर दूसरे स्वरूप से मैं कहूं तो शायद मेरी देवभूमि का ही पक्ष है। हमने बहुत नेता दिए इस राज्य के अंदर, नेतृत्व की क्षमता है। मुझे कहते कोई गरज नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी है मेरे राज्य से, यहाँ के जल का पुण्य है। डॉक्टर मुरली मनोहर जैसे जोशी जैसे नेता, नारायण दत्त तिवारी जैसे नेता, कितने नेता गिनाऊं, हेमवती नंदन भवना जिनका क्षेत्र ये रहा, ऐसे नेता देने का इस राज्य ने किया है। और इसने किया है, यहाँ का नेता जो काम करता है नजीर पेश करता है। उत्तराखंड के अंदर नकल विरोधी जब कानून आया, आवश्यक क्या थी मैं जानता हूं, मेरे पहाड़ के लोग किस गरीबी में बच्चों को पढ़ाते हैं, किस प्रकार से बच्चे की रात दिन मेहनत करके उसकी पढ़ाई की जाती है। लेकिन ऐसे लोग जो प्रतिभाओं को कुंठित करते थे, नकल का एक पूरा ग्रुप बना हुआ था जो नकल कराता था, ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा मिले, इसके लिए पहली बार कानून लाने का काम किसी ने किया, पुष्पति धामी जी आपने किया। आज मेरे उत्तराखंड का 4-4, 5-5 परीक्षाओं में एक साथ निकल रहा है, और यह भी पहली बार हो रहा है मुख्यमंत्री नियुक्ति अपने हाथ से दे रहे हैं। मुझे ध्यान है देहरादून के अंदर एक बहुत गरीब व्यक्ति था, मिला, वो इतना रोया, नौकरी उसकी बेटी, इकलौती बेटी थी, उसके हाथ में नौकरी का पत्र दिया, इतना रोया और कहा कि मैं पुष्पति धामी जी का एहसान जिंदगी में नहीं भूल सकता हूं, मेरा एक बेटा उसका ध्यान हो गया था, आज मेरी बेटी को पैर में खड़ा किया। प्रतिभाएं गुंजित होने बची है, धर्मांतरण का कुछ चक्र चल रहा था, देव भूमि का स्वरूप देव भूमि के रूप में बना रहे, ये देव स्वरूप को बनाए रखने के लिए, अच्छा मैं खत्म कर रहा हूं, इस देव भूमि के स्वरूप को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री जी और धर्मांतरण का कानून लाया है, उसका पूरे देश के अंदर चर्चा है, उसकी उसका एक बड़ा महत्व है। महिलाओं का आरक्षण का विषय हो, समान नागरिकता चर्चा तीरथ जी ने की है,
अंत्योदय परिवार के लोगों को 3 फ्री गैस सिलेंडर, अब तो 100 रुपए की सब्सिडी और से मिल रही है। और मुख्यमंत्री जी मुझे एक बात बताते खुशी है, मैं दो बार क्षेत्र में विधायक रहा, नंदप्रयाग घाट का क्षेत्र था, पिछला जोशी मठ बद्रीनाथ का क्षेत्र था, मुझे पता है मेरे आप दूर दराज के क्षेत्र सड़ते नहीं थे। और मुझे कहते हैं खुशी है आपके मुख्यमंत्री काल में हमने मेरे द्वारा प्रयास हुए कि दूर दराज क्षेत्र में सड़क गई और मैं उन विधायकों में अपने आप को मानता हूं जो भविष्य बद्री भी गाड़ी मिले, डुमा कलपुर भी गाड़ी मिले, आज हर क्षेत्र में गाड़ी देने का काम हुआ। आजकल एक चीज और हो रही है, पता नहीं मेरे कालखंड में तो इतने धरने प्रदर्शन कभी नहीं हुए, सड़कों के लिए आपन अनशन कभी नहीं हुए थे, आजकल ये हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कोई आपन अनशन करने की जरूरत नहीं है, ये षड्यंत्र के तहत हो रहा है। मैं विश्वास में आपसे कह सकता हूं जो भी सड़क चमोली जनपद के अंदर जिन क्षेत्रों सड़क की आवश्यकता होगी मैं आपका खड़ा हूं, उन सड़कों को प्राथमिकता का कदम बनाएंगे। अपना चौथी तारीख की सड़क का 2 या 3 मिलियन सातवा फेज फर्स्ट फेज का हो जाएगा, मैं घोषणा कर रहा हूँ। अब मैं राज्यसभा सांसद भी हो गया, मुख्यमंत्री आपके पास है और कुछ सरकार मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, मैं विश्वास में कह सकता हूँ चमोली जनपद के दूर दराज सड़कों से जुड़ेगा, हर सुविधाओं से जुड़ेगा। मैं यहाँ के जिला प्रशासन का भी आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ जिलाधिकारी जी, पैदल डुमक कलकोट जाते हैं, वहाँ की सड़क का बड़ा विवाद था, मैंने एक दिन चर्चा की राधापुरी बहन जी से, मैंने बात की और उसका समाधान निकल गया है। थोड़ा सा गुमराह होने से बचना पड़ेगा। आश्चर्य इस बात का होता है जब जनप्रतिनिधि कहते हो किसान मेरी नहीं सुनी जाती। भाई मैं तो एनबी तिवारी के टाइम पे विरोध में था, सुतौल कनौल घाट की दूर दराज की सड़कें दी है, काम करना पड़ता है। ये आपला धोती दार के लिए 2 दिन से मैं सचिवालय में जा रहा हूँ, फाइल पहुंचा दी है, इतना समय निकालना पड़ता जनप्रतिनिधि को तब काम होते हैं, काम की प्रगति के लिए जनप्रतिनिधि को समय देना पड़ता है, आगे निकलना पड़ता है। इस प्रकार से काम से बचने का कम से कम आज के दृष्टिकोण में सारे टीवी चैनल सब लोग जानते हैं 10 करोड़ की सड़कें विधायक को मिलती है, साल भर में फाइल ही नहीं पहुंचेगी, फॉर्स्ट क्लीनिंग ही नहीं होगी, फाइल ठीक स्थान में नहीं पहुंचेगी तो पैसा शासन से जारी नहीं होता है, थोड़ा लगना पड़ता है, उस काम को गति देनी पड़ती है। आप सब लोग मुख्यमंत्री को सुनने आए, मुझे बहुत खुशी है कि मेरे क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी आए, और मैं बार बार जिस विषय को लेकर भी मुख्यमंत्री के पास जाता हूं, मैं पता नहीं ऐसा अपरूप है कि मैं आज बोलता हूं कल उसका समाना निकल जाता है, थोड़ा आना अब उतना कम हो गया। कारण क्या है कि पूरे प्रदेश में जाना होता है, सब जगह जाना होता है, बैठकें भी होती हैं, लेकिन मेरा प्रयास रहता है, हृदय में मेरा क्षेत्र है, पूरा चमोली जिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जय भारत जय भारत। बहुत बहुत आभार आदरणीय राज्यसभा सांसद महोदय का। माननीय मुख्यमंत्री जी यदि आप अनुमति दें तो कुछ लाभार्थी आपसे वार्तालाप संवाद करना चाहते हैं। जो लाभार्थी संवाद करना चाहते हैं उनसे अनुरोध है। मुख्यमंत्री जी महोदय का और पंचासीन हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ पे हमारे युवा भाई बहन और समस्त मातृ शक्ति को मैं तहे दिल से लाभार्थी सम्मान समारोह में तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और सर मैं रंजना देवी ग्राम सभा नैलपुरा से हूँ और विकास खंड जसोली से। सर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हम लोग स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं। और सर मैं जय भैरवनाथ स्वयं सहायता समूह से हूँ। और सर मैं ये जो हमारा सीसीएल ये जो आप लोगों ने हमें सीसीएल की राशि और सीएफ से जो धनराशि हमें दी है हमने उसका संपूर्ण सदुपयोग किया है। सर मैंने जो सीसीएल से ऋण लिया है 1 लाख रुपये का उससे मैंने अपने व्यवसाय के लिए सिलाई मशीनें खरीदी हैं और सर सिलाई के साथ साथ मैं लैंपेना का काम भी करती हूँ जिसे हमारी पहाड़ी भाषा में पूरी घास के नाम से जाना जाता है। सर लैंटेना से हम विभिन्न प्रकार के फर्नीचर जैसे ये डस्टबिन हो गया, टूट रही फाइल ट्रे, पैन स्टैंड वगैरह बनाते हैं।
सर, तो उसमें से मेरी अभी खुद की इनकम 1,70,000 रुपए करीबन में ये लेन-देन से सामाजिक सुरक्षा। और इसी के साथ साथ मनरेगा से मुझे न्यूटी गार्डन भी मिला है। न्यूटी गार्डन से जो सब्जी उत्पादन हम लोग करते हैं उसे हम संडे मार्केट गोपेश्वर में हर माह वितरण करते हैं सर। उससे मेरी मासिक आय 15,000 से 20,000 रुपए करीबन हम लोग कमा लेते हैं। बहुत अच्छा रंजना जी, आपके साथ और कौन कितने लोग काम करते हैं? सर मैं हमने रुद्रपुर ये विकास खंड स्तर से हमने रुद्रपुर में ये ट्रेनिंगें भी ली हैं और मैं सीनियर सीआरपी के पद पे भी हूँ। सर मैं चाहती हूँ कि मैं जितने यानी कि मैं अभी सीनियर सीआरपी के पद पे हूँ और मैं चाहती मैं तो लखपति दीदी के उससे भी हूँ। आप तो बन गई है ना लखपति दीदी, बन गई है ना आप तो लखपति को बहुत बहुत बधाई आपको। सर मैं करोड़पति बनने की चाह रखती हूं। बहुत शुभकामनाएं आपको हम लोगों की, है ना। हम लोग सब लोग आपके साथ हैं। आप अपने काम के साथ साथ जो काम आपने किया है वो अन्य लोगों को भी उससे जोड़िए और अन्य लोगों को भी बताइए आप सबको कि आप कैसे लखपति बनी है और आप आगे कैसे करोड़पति बनने वाली हैं। लाभार्थी समारोह में उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन परम सम्मानित उत्तराखंड राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री जी मनसा सिंह, समस्त अतिथिगण, समस्त विभागों के अधिकारी एवं यहाँ पर उपस्थित विभिन्न ग्राम सभाओं से आई हुई स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और काश्तकार, आज पर हम सौभाग्य का विषय है कि हम यहाँ पर इस कार्यक्रम में हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरा नाम हरीश्वरी अग्रवाल है और मैं ग्राम भाग से हूँ। माँ भवानी स्वयं सहायता समूह में अध्यक्ष के पद पर हूँ और ग्राम संगठन में भी अध्यक्ष के पद पर हूँ और हमारे नई गंज में हमारा संकल्प स्थल है वहाँ पर भी मैं अध्यक्ष के पद पर हूँ। और परसों जो लाभार्थी लखपति दीदी वाला जो ये परसों का कार्यक्रम हुआ था उसमें भी हम लोगों ने प्रतिभाग किया था और आज यहाँ पे मैं जो उत्तराखंड सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी उनसे थोड़ा सा लोगों को जानकारी देना चाहती हूँ। सबसे पहले हम मशीनरी बैंक कृषि विभाग के सौजन्य से हमने 2018-19 में ये फार्म मशीनरी बैंक लिया था जिसमें हमने कुछ मशीनें ली थी। पावर वीडर है, आटा चक्की है, धान चक्की है, गेहूं थ्रेसर है। उस फार्म मशीनरी बैंक की सहायता से हम आज हमारा रोजगार का एक जरिया बना है और हमारी जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कहीं दूर घराटों में पीसने के लिए जाती थी आज अपने गाँव में इन चक्कियों के माध्यम से अपना रोजगार भी चला रही हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हम लोगों ने पलायन कर दिया था, कभी के समय में क्या होता था कि बैल पालने को वो तैयार नहीं होता था, आज पावर वीडर की वजह से सब लोगों ने जो बंजर खेती थी उसको आबाद कर दिया है और हमारे खेत फिर से लहलहाने बैठ गए हैं। मैं खुद एक MA BEd TET क्वालिफाइड हूँ और मेरे हस्बैंड भी MCOM BEd है, लेकिन हमने नौकरी को छोड़ करके आज हम दोनों को प्रगतिशील किसान का पुरस्कार हमको यहाँ पे मिला है और हमने अपने गांव को नमामि गंगे योजना के तहत जोड़ा जिसमें हमने 103 काश्तकारों को इस नमामि गंगे के योजना से जोड़ा जिससे आपको रामेश्वरी जी आप ये बताइए कि आपको कैसे मिला ये फार्म मशीनरी बैंक में, क्या होता है इसमें, कितने परसेंट की सब्सिडी होती है? जी सर, ये 80% अनुदान पे इसको हम लेते हैं और कृषि विभाग के सौजन्य से। आपने क्या लिया इसमें से? क्या इसमें हमने चक्कियां ली, मसाले पीसने की मशीन थी और गेहूं थ्रेसर है और पावर वीडर है हमारी विभिन्न। इसका बाजार में कितना मूल्य है? इनका बाजार में कम से कम एक पावर वीडर 70,000-80,000 का है। आपको कितने में मिला? हमें 13,000-14,000 में, यानी हमने 2,00,000 हमारे स्वयं सहायता समूह ने इन्वेस्ट किया, 8,00,000 हमारे सरकार ने इसमें 80% अनुदान पे उसको दिया है और उन योजनाओं से हमारे आज जो काश्तकार हैं वो विभिन्न प्रकार के काम कर रहे हैं और नमामि गंगे के तहत भी हमें उन्नत किस्म के बीज दिए गए, उन्नत किस्म की खादें दिए गए, हमें वर्मी कम्पोस्ट दिए गए
और हम आज जैविक खाद बना करके खेतों में उनका स्प्रेयर मशीन की सहायता से छिड़काव करते हैं। अभी क्या क्या लगा रही है खेत में आप? जी सर, अभी तो हम हमारे यहाँ पे बहुत उपजाऊ खेती है, तो हम लोग खेत में जैसे धान है, गेहूँ है, मंडुआ है। सर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सरस मेले में मंडुआ कितना लगाया है? मंडुआ तो अभी हमारे यहाँ चमोली जनपद में हम लोगों ने काफी मंडुआ लगाया है, और सहकारिता के माध्यम से हमारे चार क्लस्टरों ने कम से कम कितने रुपए किलो मिल रहा है यहाँ पे सहकारिता में? सर हमने खुद बेचा है 38 रुपए 40 पैसे हमने सहकारिता में बेचा है। और लगाइए, अभी हम लोग जो है मंडुए के बहुत सारे उत्पाद जो है पूरे देश में दुनिया में हमने प्रधानमंत्री जी ने अभी हमारे एक हाउस ऑफ हिमालय देवभूमि उसका उद्घाटन कर दिया है, तो इसमें जितना भी मड़वा लगाया जाएगा, जितना भी झिंगोरा लगाया जाएगा, जितना भी ये हमारे यहाँ का होने वाला जितना भी उत्पाद है, जितनी फसलें हैं, वो सारा का सारा सरकार खरीद लेगी, चाहे सहकारिता के माध्यम से, मंडी के माध्यम से, अन्य माध्यमों से। इससे सबको कहिए कि मड़वा जरूर लगाए। आभार मुख्यमंत्री महोदय, समय अभाव के कारण अन्य लाभार्थियों से संवाद स्थापित नहीं हो पाएगा। अब मैं बहुप्रतीक्षित गोपेश्वर को की प्रतीक्षा को समाप्त करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप आशीर्वाद से अभिसिंचित करने की कृपा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, भारत माता की, भारत माता की, गोपीनाथ भगवान की, गोपीनाथ भगवान की, रुद्रनाथ भगवान की, रुद्रनाथ भगवान की, बद्री विशाल भगवान की, बद्री विशाल भगवान की। आज गोपेश्वर के इस लाभार्थी सम्मान समारोह में मंच पर आसीन आप सबके बीच में जिन्होंने अपना बाल्यकाल से लेकर अब तक अनेक कार्यों को आगे बढ़ाया है, इसी जनपद चमोली के बेटे भाई जिनको हमारी पार्टी ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की वो प्रदेश अध्यक्ष और साथ में अभी हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने हम सब लोगों ने प्रदेश की सेवा करने के लिए अभी वो राज्यसभा के सांसद निर्वाचित हुए हैं, ऐसे हमारे जुझारू और कर्मठ प्रदेश के अध्यक्ष जिनकी एक कर्म भूमि रही है आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, और इस गढ़वाल लोकसभा के बहुत ही लोकप्रिय सांसद सहजता सरलता और निश्चलता जिनकी पहचान है, और आप जिनके साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध लगभग 30 वर्षों से भी ज्यादा समय से है,
हमारे बड़े भाई के रूप में हम सब संगठन में काम करते थे। आदरणीय तीरथ जी हमारे कर्णप्रयाग क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, आदरणीय अनिल नौटियाल जी थराली क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, भाई भोपाल राम टंडा जी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, श्री रमेश मैथुरी जी उत्तराखंड जलागम परिषद के उपाध्यक्ष, आदरणीय रमेश गढ़िया जी लोकसभा गढ़वाल के प्रभारी, श्री पुष्कर काला जी पूर्व विधायक, मुन्नी देवी शाह जी उपाध्यक्ष जीकेटीसी, किशोर पवार जी संयोजक लोकसभा, विजय कपड़वार जी जिला महामंत्री, राकेश जोशी जी निवर्तमान नगर पालिका की अध्यक्ष, बहन पुष्पा पासवान जी संयोजक हमारे बद्रीनाथ विधानसभा, श्री गजेंद्र रावत जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष, भाई महावीर जी जो हमारे नीचे बैठे हुए हैं, पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष संदीप जी, कर्नल हरेंद्र जी युवा मोर्चा संयोजक, चंद्रकला तिवारी जी प्रदेश सह संयोजक, सैनिक प्रकोष्ठ हरेंद्र जी मंडल अध्यक्ष नगर, श्री महेंद्र राणा जी मंडल अध्यक्ष दसोली, वल्लभ प्रसाद थपलियाल जी हमारे पार्टी के सभी आए हुए सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, सभी जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत ग्राम प्रधान एवं सभी हमारे आज बड़ी संख्या में पधारे हुए यहाँ पर हमारी मातृशक्ति, मेरी माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग मेरे नौजवान साथियों उपस्थित हमारे सभी मीडिया के हमारे मित्र पत्रकार बंधु छायाकार बंधु हमारे जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण जिलाधिकारी श्री हिमांशु जी हमारे साहजी श्री सीडीओ एसपी रेखा जी एवं सभी कर्मचारीगण मैं सबसे पहले तो आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग इस लाभार्थी सम्मान समारोह में उपस्थित हुए। आप सबने यहाँ पर आकर मेरे साथ आदरणीय महेंद्र भट्टी का, हमारे गढ़वाल लोकसभा के सांसद आदरणीय तीरथ जी का, हमारे विधायकगण का, सबका आपने जो उत्साह बढ़ाया, जो आपने अभिनंदन किया, रास्ते भर स्वागत किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं देख रहा हूं कि लगभग 12 बजे हम लोग यहाँ पहुंच गए थे और 12 बजे से लेकर अभी तक जितने लोग यहाँ कुर्सियों में बैठे हुए हैं सारे के सारे उतनी ही संख्या है, एक भी संख्या कम नहीं हुई। और आपने रास्ते पर जिस प्रकार से हमारा स्वागत किया, अभिनंदन किया, हमारी माताओं बहनों ने यहाँ मंच से मंगल गीत गाए, हमको अपना आशीर्वाद दिया, मैं भी आप सभी को अपनी माताओं बहनों को बुजुर्गों को नौजवानों को दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नमन करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों जब हम लाभार्थियों की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का कालखंड है, इस कालखंड में शायद भारत का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको कोई ना कोई लाभ नहीं मिला होगा। किसी को किसान सम्मान निधि मिली है, किसी को आयुष्मान भारत मिला है, किसी को उज्ज्वला योजना मिली है, किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ मिला है, किसी को गरीब कल्याण योजना में लाभ मिला है, किसी को स्वच्छ भारत में जो इज्जत घर बनाए गए हैं उसमें लाभ मिला है। लाभार्थियों की संख्या बहुत बड़ी है और एक एक व्यक्ति को, एक एक परिवार को कई सारी योजनाओं का लाभ मिला है। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत ही इस पवित्र भगवान गोपीनाथ की धरा पर विभिन्न योजनाओं को, लाभार्थियों को,
आज यहाँ पर जहाँ सम्मानित करने का अवसर मिला है, वहीं विकास की बहुत सारी योजनाओं को जिसमें 229 करोड़ 31 लाख की योजनाओं का आज यहाँ पर शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया है। कुल शिलान्यास में से 138 करोड़ 90 लाख की योजनाओं का शिलान्यास बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत 28 करोड़ 55 लाख की लागत की योजनाओं का शिलान्यास माला मास्टर प्लान के अंतर्गत भी अभी यहाँ पर हमारे द्वारा किया गया है। इसके साथ साथ जो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जल जीवन मिशन, उसके अंतर्गत भी 13 करोड़ 26 लाख की लागत की योजनाओं का आज यहाँ शिलान्यास किया गया है, जिसमें 99.85% यानी कि 76,408 परिवारों को जल संयोजन यानी कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है। भाइयों बहनों, आज आप सबका इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारना, ये जल सैलाब हमारे लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है, क्योंकि जब मैं आप लोगों के चेहरे पर, अपनी माताओं बहनों के चेहरे पर, और अभी हमारी बहन जी जब यहाँ पर रामेश्वरी देवी जी जिस प्रकार से आज बता रही थी, जिस प्रकार की सरकार की योजनाओं की चर्चा कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो तो उन्होंने केवल लाभार्थी नहीं है बल्कि वो तो इसका प्रशिक्षण दे रही हूँ, दूसरे लोगों को भी सिखा रही हूँ, इस प्रकार से फटाफट बोल रही थी, एक के बाद एक किस प्रकार से उनको लाभ मिला है। आपके चेहरों पर ये मुस्कुराहट, और जब मैं खुशी देखता हूँ तो सचमुच मुझे लगता है कि जो हम लोग हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं, उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं, वो मेहनत हमारी सफलता की ओर बढ़ रही है, हम सफल हो रहे हैं। आपका ये उत्साह और उमंग और आपका ये उपस्थिति निश्चित रूप से मुझे और अधिक काम करने की प्रेरणा देती है। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाने के लिए जिस प्रकार से काम हो रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, पूरी दुनिया जानती है कि आज भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान और वैश्विक पहचान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रही है। मैं पिछले दिनों लंदन गया था, मैंने वहां देखा, मैं दुबई गया था, वहां देखा किस प्रकार से आज लोग हमारे देश की चर्चा करते हैं, किस प्रकार से आज भारत को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, किस प्रकार भारत के प्रति एक विश्वास पैदा हुआ है, एक श्रद्धा का भाव पैदा हुआ है। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 सालों के कालखंड का प्रतिफल है कि उन्होंने हर क्षेत्र में काम किया है। एक समय वह भी था, हमको याद करना चाहिए, अभी तीरथ जी बोल रहे थे, अभी महेंद्र भट्ट जी बोल रहे थे, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि एक समय था जब भारत की पहचान एक डब्बू और पिछलब्बू भारत के रूप में हो गई थी, विश्व के मंचों पर भारत अपने हितों की बात भी नहीं कर पाता था, अन्य बातें छोड़िए, जो भारत के हित की बात होती थी, भारत के पक्ष में होना चाहिए था, उनकी बात भी नहीं कर पाता था। हमारी पहचान बन गई थी कि डब्बू भारत, पिछलग्गू भारत, उस पहचान से उभारने का काम विश्व के अंदर आज कोई घटना होती है, कोई विश्व के अंदर संकट आता है, कोई चुनौती आती है, तो आज पूरा विश्व, पूरा संसार ये देखता है कि भारत की सरकार का रूप क्या होने वाला है, भारत का, भारत देश क्या कहने वाला है, इसमें भारत के विचार क्या होने वाले हैं। इस प्रकार से भारत का मान सम्मान बढ़ा है, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भाई बहनों, ये स्थापित करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, हमारी सरकार भी आज योजनाओं को जन जन पहुंचाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए दिन रात हम काम कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश के लगभग 20 स्थानों पर, अनेक स्थानों पर आदरणीय तीरथ जी आप ही के यहाँ पर हम लोग पिछले दिनों आए थे, उसमें भी इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें इकट्ठी हुई। अभी हम कोटद्वार में थे, हम कल बाजपुर में थे, इससे पहले हम बड़कोट में थे,
पौड़ी में थे, हम रुद्रप्रयाग में थे, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, हर एक जिले में, उत्तरकाशी में, हरिद्वार में, देहरादून में, जहां भी हम गए, हजारों हजार की संख्या में आकर हमारी माताओं बहनों ने, नौजवानों ने, बड़े बुजुर्गों ने हमको आशीर्वाद दिया। ये इसका एक तरह से प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मैं देख रहा हूं हमारी माताएं बहने हमारे काम को किस तरह से आगे बढ़ा रही है, किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि भारत देश का रहने वाला गरीब, समाज के अंतिम छोर में रहने वाला, जिसको सुविधाएं नहीं मिल रही है, जिसको शासन की सहायता नहीं मिल रही है, सरकार की सहायता नहीं मिल रही है, उसको योजनाएं मिलने का काम प्रारंभ हो गया है, योजनाएं उस तक पहुंच रही है। भाइयों बहनों, आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। अगर पिछले 10 सालों की हम बात करेंगे तो स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा, निशुल्क खाद्यान्न से लेकर बिना किसी शुल्क के इलाज की व्यवस्था हो, किसानों के विकास से लेकर गरीबों के आवास हो, या सेना के आधुनिकीकरण से लेकर सीमाओं की सुरक्षा हो, प्रत्येक नागरिक को वैक्सीन पहुंचाने के लिए, वैक्सीन पहुंचाने से लेकर हथियार और मोबाइल उत्पादन के क्षेत्र में आज अभूतपूर्व तरीके से देश के अंदर काम हो रहा है। आज देश में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को मार्च महीने से 2020 से लेकर अभी तक खाद्यान्न देने का काम हो रहा है। किसी के घर का चूल्हा न बुझे, जो कोरोना महामारी में गरीब कल्याण योजना प्रारंभ हुई वो योजना अनवरत रूप से जारी है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको अगले 5 सालों के लिए पहले ही तय कर दिया है कि अगले 5 सालों तक भी ये खाद्यान्न योजना चलेगी। हमारे प्रधानमंत्री जी की दिव्य दृष्टि थी कि 50 करोड़ जनधन के खाते गरीबों के लिए खोले गए, जिनका प्रयोग आज हमारे जो जरूरतमंद लोग हैं, जो लाभार्थी हैं, उनके खातों में कोई कमीशन कटे हुए, किसी बिचौलियों को घूस दिए बिना सीधे डीबीटी से जितना पैसा भेजा जा रहा है, डीबीटी के माध्यम से सीधे सीधे उनके खातों में पहुंच रहा है। एक पैसे की भी कहीं कटौती नहीं हो रही है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मातृशक्ति के उत्थान के लिए भी अभूतपूर्व काम किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका बीड़ा उठाया और ग्रामीण क्षेत्र में आज आप स्वयं देखिए, जब ये इज्जत घर नहीं होते थे, शौचालय नहीं होते थे, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। 12 करोड़ देश के अंदर शौचालय बनाने का काम हुआ, इज्जत घर बनाने का काम हुआ। इसके साथ ही पिछले 10 वर्षों में 10 करोड़ से अधिक उज्ज्वला के कनेक्शन दिए गए, उज्ज्वला योजना का लाभ 10 करोड़ परिवारों तक देने का काम हुआ है और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के मेले आयोजन करके 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम भी प्रारंभ हो गया है। रोजगार दिया जा रहा है उत्तराखंड के अंदर भी। अभी महेंद्र भट्टी बता रहे थे कि प्रत्येक दिन ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन किसी न किसी विभाग के चयन होने वाले अभ्यर्थियों को हम अपने हाथ से जिस दिन नियुक्ति पत्र प्रदान न करते हैं। यह हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से लगातार ये काम चल रहा है। अब ये बताइए, ये प्रश्न कई बार मेरे मन में आता है, आपके मन में भी आता होगा, आखिर ये सब काम आज ही क्यों हो रहे हैं, इन 10 सालों में ये काम क्यों हुए हैं। ये सब काम पहले की सरकारें भी कर सकती थी लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो केवल और केवल एक परिवार की जो चापलूसी करने में लगे रहते थे, उसी के चक्कर लगाते रहते थे, परिवारवाद को बढ़ाने का कार्य करते थे, महिलाओं को, हमारी मातृशक्ति को, माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए मजबूर करने का काम भी इन्होंने किया। महिलाओं को चूल्हे में धुआं खाना बनाने पर मजबूर किया, उनको बीमार होने के लिए मजबूर किया, इलाज के अभाव में दम तोड़ने के लिए मजबूर किया। लेकिन मोदी जी ने आज हमको इलाज की भी गारंटी दी है, आज हमको स्वास्थ्य की भी गारंटी दी है, आज उन्होंने हमें आवास की भी गारंटी दी है, आज उन्होंने स्वच्छ जल की भी गारंटी दी है, आज उन्होंने हर प्रकार से हमारी सब प्रकार की गारंटियां सुनिश्चित की है। हमने पिछले दिनों देखा मोदी जी का जो बहान है विकसित भारत संकल्प यात्रा में, गांव गांव गया,
हर एक व्यक्ति जो लाभार्थी हो सकता था, जिसको योजनाओं का लाभ दिया जा सकता था, उन सभी को लाभ दिया जाने का काम हो रहा है। क्योंकि मोदी जी ने पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार माना है, उन्होंने उत्तराखंड के लोगों को अपना परिवार माना है, हर गरीब को अपना परिवार माना है, हर मजदूर के परिवार को अपना परिवार माना है। इसलिए बिना रुके बिना थके 18 घंटे 20 घंटे बिना सोए अनवरत रूप से वो देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये आजाद भारत के इतिहास में पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतने सारे फैसले लिए हैं, अभूतपूर्व कार्य किए हैं। 2014 से पहले विकास का इंजन किस प्रकार से ठप पड़ गया था, किस प्रकार से धीमा हो गया था, आज किस प्रकार सरपट विकास की योजनाएं आगे बढ़ रही हैं, विकास के काम आगे बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं 2014 से पहले बीमार थी, आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व रूप से विकास तेजी आगे बढ़ रहा है। सड़कों की हालत कितनी खस्ता थी ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये चार धाम ऑल वेदर रोड है, या पूरे उत्तराखंड के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का जो काम हुआ है, ये 2014 के बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज देश के अंदर 38 किलोमीटर सड़क प्रत्येक दिन बनाई जा रही है। पहले बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए किस प्रकार इधर उधर भटकना पड़ता था, आज मिशन इंद्रधनुष योजना के तहत जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए बच्चों को वैक्सीन लगाने का काम हो रहा है। 2014 के बाद से देश में हर साल एक नए IIT का निर्माण हुआ है। 2014 के बाद हर साल देश में एक नया IIM बनाया गया है। 2014 के बाद हर सप्ताह यानी कि हर हफ्ते देश में एक नई यूनिवर्सिटी खोली गई है। 2014 के बाद हर दिन देश में दो नए कॉलेज खोले जा रहे हैं। 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हर एक दिन देश में एक नए ITI का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अभी आपने देखा दो दिन पहले देश के अंदर जो CAA का कानून संसद में पास किया गया, हमारे तीरथ जी उसके साक्षी बने, उस CAA को भी लागू कर दिया गया। अब बांग्लादेश से आए हुए विस्थापित हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, पारसी भाई, बौद्ध भाई, जिनका उत्पीड़न हुआ, जिसके साथ अन्याय हुआ पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, वो हमारे देश के अंदर आए तो उनको भारत की नागरिकता देने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। इतना ही नहीं, धारा 370 कश्मीर के अंदर समाप्त हुई, जिसका लंबे समय से इंतजार था। उस कश्मीर को बचाने के लिए हजारों हजार लोगों ने अपनी शहादत दे दी, अपना जीवन बलिदान कर दिया, लेकिन कश्मीर के अंदर से धारा 370 समाप्त नहीं हुई। कोई इतना इतनी हिम्मत नहीं कर पाया, ये हिम्मत भी किसी ने की तो भारत माँ के लाल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी। इतना ही नहीं, हम सब लोग कहते थे, मैं भगवान गोपीनाथ की इस धरती पर कह सकता हूँ कि हम सब लोगों ने नारा लगाया होगा, हम सब गली में घूम घूम के कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। भाइयों बहनों, वो मंदिर बनाने का जो स्वप्न और संकल्प था, वह भी अगर किसी के नेतृत्व में पूरा हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हुआ। अगर हम बीते 10 वर्षों की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक इतने काम हुए, अगर उसको गिनाएंगे तो कई घंटों लग जाएगा। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की सरकार आप सबके लिए दिन रात काम कर रही है। मैं अपना भी सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे आप सबकी सेवा करने का अवसर मिला है, और हमारा भी एक ही लक्ष्य है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। इसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से चहुमुखी विकास उत्तराखंड का हो, हर क्षेत्र में विकास हो। आज हमने जहां 200 करोड़ से ज्यादा योजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास किया, अभी आज से 3 दिन पहले देहरादून में 8275 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हमने उत्तराखंड के संपूर्ण विकास के लिए किया है। इतना ही नहीं, अगर मैं पिछले 2-2.5 महीनों की बात करूं तो 2-2.5 महीनों में हमने उत्तराखंड के हरेक जनपद में 10,000 करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उत्तराखंड के विकास के लिए किया है। प्रदेश के लोगों को योजनाओं का पूरा लाभ मिले, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण जो हमारा मंत्र है, इसको ध्यान में रखकर हम काम कर रहे हैं। हमने कई सारे
महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और ऐसे फैसले लिए हैं जो पहली बार लिए हैं। समान नागरिक संहिता जिसके बारे में अभी आदरणीय तीरथ जी ने बोला, आदरणीय महेंद्र भट्ट जी ने बोला कि समान नागरिक संहिता की जो गंगोत्री है, जैसे माँ गंगा उत्तराखंड से निकलती है, ये समान नागरिक संहिता की गंगोत्री गंगा भी हमारी देवभूमि उत्तराखंड से निकल रही है। नकल विरोधी कानून इसके लागू होने के बाद किस प्रकार से हमारे उन भाइयों और बहनों के साथ न्याय हुआ है, किस प्रकार से उनकी प्रतिभा क्षमता और योग्यता के साथ उनको प्रोत्साहन मिला है, जब वो आज एक परीक्षा में पास होते हैं, एक के साथ दूसरी परीक्षा में पास होते हैं, दूसरी के साथ तीसरी में होते हैं, तीसरी के साथ चौथी में होते हैं, और कुछ कुछ तो ऐसे भी मिले जो कई सालों से परीक्षा दे रहे थे लेकिन उनका नंबर नहीं आ रहा था, अब पांच पांच परीक्षाओं में एक साथ उनका चयन हो गया। भाइयों बहनों, ये नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद लागू हुआ। धर्मांतरण कानून हमने बनाया है कि देवभूमि के अंदर देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे। लैंड ग्यार अतिक्रमण जो था सरकारी जमीनों पर, कुछ ढांचे बना दिए गए थे और ढांचों के आधार पर सरकारी जमीनों को कब्जाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा था, उस षड्यंत्र को भी हमने समाप्त करने का अभियान प्रारंभ कर दिया है और 3,500 एकड़ से ज्यादा जमीन आज हमने इस अतिक्रमण से मुक्त करा दी है। पिछले दिनों दंगा हुआ था, दंगे के खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई वहां पर की है, एक एक दंगाई को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। इतना ही नहीं, देवभूमि उत्तराखंड के अंदर निकट भविष्य में कोई दंगा करेगा, कोई उपद्रव करेगा, कोई शांति भंग करने की कोशिश करेगा, सरकारी संपत्ति या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, तो हमने तय कर दिया है, कानून बना दिया है कि अब उस संपत्ति की जो क्षति हुई है उसकी भरपाई उसी दंगाई से सुनिश्चित की जाएगी, एक एक पाई क्या जो है हिसाब उससे लिया जाएगा। भाइयों बहनों, मैं आज इस अवसर पर आप सब मेहनती और कर्मठ हमारे कार्यकर्ता जो यहाँ आए हैं, आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप सबके बीच में जब जब भी हम आते हैं तो आप सबसे एक ऊर्जा, एक नई ऊर्जा यहाँ से मिलती है, नई ताकत मिलती है, क्योंकि आप सबके बीच में से निकलकर हम सब भी सामान्य परिवारों से आज आप सबके बीच में सेवा करने के लिए ये दायित्व पर पहुंचे हैं और ये हमारा सौभाग्य है। और इसी पार्टी में आपने देखा होगा महेंद्र भट्ट जी यही आप सबके बीच में रहे, आदरणीय तीरथ जी पता नहीं कहां कहां झोला लेकर कहां से कहां गए, हमारे विधायकगण हमारे मंच पर बैठे हुए सब लोग ये आज नेतृत्व के रूप में काम कर रहे हैं, तो ये किसी और पार्टी में संभव नहीं है। ये अगर किसी पार्टी में संभव होता है तो हमारी पार्टी जो आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी में ही ये सम्मान मिल सकता है। और आज भारत का एकमात्र संगठन है जिसका कार्यकर्ता हमारा बूथ से लेकर पन्ना प्रमुख का काम कर रहा है और जब चुनाव आता है तो ये नहीं देखता कि चुनाव कब आने वाला है, वो हमेशा तैयार रहता है, अपना योगदान देता है, क्योंकि उसके लिए हमेशा राष्ट्र प्रथम होता है, अपना हित हमेशा उसका पीछे होता है। हमारी पार्टी में हमेशा ये सिखाया जाता है, ये एक हमारी नीति पद्धति है कि अपने लिए कभी नहीं सोचना है, उसके लिए पार्टी स्वयं सोचती है, हमेशा देश के लिए पहले सोचना है। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि आप सब लोगों ने पहले के सारे जितने भी चुनाव हुए हैं उन सारे चुनाव में पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के कारण ही आज पार्टी का जो आधार है वो सुदूरवर्ती जातियों तक फैल चुका है। पहले जब लोग सोचते थे कि इन क्षेत्रों में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, इन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, आज वहां पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक आज भाजपा की सरकारें काम कर रही हैं। कुछ ही समय बाद अब चुनाव आने वाला है, हम सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, जब यहाँ बद्रीनाथ आए थे, माड़ा आए थे, तो उन्होंने मांगल गीत गाने वाली हमारी सभी बहनों से संवाद किया था। स्वयं सहायता समूह की जो बहनें स्टॉल लगाई हुई थी उनसे एक एक चीज की जानकारी करी थी और जब मैंने उनको नमक दिखाया था, मैंने कहा ये पीसा हुआ नमक है, तो उन्होंने कहा ये नमक तो मुझे पहले कभी खिलाया ही नहीं। तो हमारी बहनों का वो नमक भी प्रधानमंत्री जी ने स्वयं वहां प्रधानमंत्री आवास में रखा और उस नमक को भी उन्होंने अपने भोजन में सम्मिलित किया। इतना लगाव आपने देखा होगा,
जो हमारे मैथुरी की टोपी पहने हैं धर्म कमल वाली, ये टोपी भी आज पूरे देश में नहीं दुनिया में विश्व प्रसिद्ध टोपी हो गई। इसको विश्व प्रसिद्ध बनाने का काम भी अगर किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। 2022 के लाल किले में जो 26 जनवरी के ध्वजारोहण के समय में उन्होंने इसी टोपी को धारण किया था। तो भाई बहनों हर क्षेत्र में उनका काम है। आज अगर यहाँ पर चार धाम ऑल वेदर रोडे बन रही है, इतना विकास हो रहा है, एक कोने से दूसरे कोने तक का विकास हो रहा है, बद्रीनाथ मास्टर प्लान पर काम हो रहा है, आज केदारनाथ का पुनर्निर्माण नव निर्माण हो रहा है, हमारे चारों धाम बन रहे हैं, कुमाऊं से गढ़वाल को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण हो रहा है, आदि कैलाश तक आज मास्टर प्लान बन रहा है, ये सब हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। आज हवाई सेवाएं तेजी से आगे बढ़ रही है, हर एक जनपद तक हम हवाई सेवा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। रेल सेवा यहाँ से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बहुत तेजी से काम हो रहा है। अगर मैं उनके काम गिनाऊंगा बहुत लंबा हो जाएगा। मैं जानता हूँ आप सब लोग बहुत देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे पांचों लोकसभा के सांसद आज भारतीय जनता पार्टी के हैं। 2014 में भी आपने पांचों सांसद मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ से एक तरफा उनको विजय श्री प्राप्त हुई थी। 2019 में भी पांचों सीटें विजय श्री प्राप्त हुई थी। और लेकिन 2014 और 2019 में अंतर क्या था कि 2014 में जितने मत मिले थे 2019 में उससे ज्यादा मत मिले हैं, क्योंकि 5 सालों में तेजी से काम हुआ तो मत भी बढ़ गए। तो 2019 से 2024 तक और तेजी से काम हुआ है, डबल इंजन तेजी से काम कर रहा है, आप सब उस पे साक्षी हैं, आप सब देख रहे हैं। इसलिए 2024 में 2019 से ज्यादा मत मिलने चाहिए, ये हम सब के लिए चुनौती भी है। हमें लोकसभा के इस पुण्य अभियान में पूर्ण मनोयोग के साथ जुटना है और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, उस विकल्प रही संकल्प को चरितार्थ करना है। जब तक केंद्र और राज्य की सरकारों की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाता, मैं आपसे संकल्प होकर कहना चाहता हूं कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक हमारे अधिकारीगण, हर एक लोग जनता की सेवा में लगेंगे। हमारी बहनें लखपति दीदी बन रही हैं और बड़ा अच्छा लगा कि हमारी बहन रामेश्वरी जी ने कहा कि वो करोड़पति बनना चाहते हैं। यही जज्बा है, यही हमारे आने वाले उत्तराखंड का भविष्य है कि हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति तेजी से आगे बढ़ रही हैं। आज के इस अवसर पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए और तीसरी महाशक्ति, तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनेगा, इस काम में उत्तराखंड देवभूमि के लोगों ने भी राम सेतु के निर्माण में जिस प्रकार से गिलहरी का योगदान रहा है, उसी प्रकार से हम सब उत्तराखंड वासियों को, देवभूमि के लोगों को अपना योगदान सुनिश्चित करना है। हम पूरे मनोयोग से इस काम को करेंगे। अंत में मैं आज मेरे सामने बहुत सारे यहाँ पर प्रस्ताव आए हैं, मेरे माननीय दोनों विधायकगणों ने हमेशा ही हमको कहते ही रहते हैं, जब देहरादून आते हैं तब भी कहते हैं, यहाँ आते हैं तब भी कहते हैं और ये बनाते हैं मंच पर। हमारी पुष्पा बहन जी बैठी हैं, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण बैठे हैं, मैथुर जी हैं, बढ़िया जी हैं, सारे लोग, ये लोग हमेशा मुझे देते रहते हैं। मेरा भी प्रयास रहता है इस जनपद के साथ, मेरा भी बड़ा लगाव है। मुझे लगता है कि मैं भी यहीं से बड़ा हुआ हूँ आप सबके बीच में, जितना मैं आप सबका प्रेम देखता हूँ। तो मैंने ये सारे जितने भी प्रस्ताव आए हैं इनको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। दो तीन चीजें, जैसे यहाँ पर अभी महेंद्र जी ने कुछ घोषणा भी कर दी है, वो घोषणा में हम लोग तुरंत उसको पूरा करेंगे। इसके साथ साथ जनपद चमोली के विकास खंड दसोली में जो गोपेश्वर मंदिर मार्ग से बैतरणी सिरखोमा सेटुना बैरागाना मोटर मार्ग के किलोमीटर 1 से लेकर सेटुना तक मोटर मार्ग का निर्माण, इसकी प्रशासकीय अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाएगी, मैं इसकी घोषणा करता हूँ। कर्णप्रयाग में लामबगड़ के अंतर्गत इन्होंने ही दिया है, गंगानगर माई मंदिर से भैरव चौक तक विकासखंड चमोली पर रामगंगा नदी पर झूला पुल का निर्माण कार्य भी किया जाएगा। हरानी विधानसभा में 4 विकासखंडों में गौ संरक्षण सेवा केंद्र की स्थापना की जाएगी। थराली विधानसभा क्षेत्र में थराली कुलसारी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी जनहित में
स्वीकृति की जाएगी। अंत में मैं आप सभी का एक बार धन्यवाद करते हुए इस आयोजन के लिए, आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए, आप सबका आशीर्वाद मिला और हमारे जिला प्रशासन के लोगों का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने इसका आप सबके साथ मिलकर सुंदर आयोजन किया, भव्य आयोजन किया। मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अपने उद्बोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। कार्यक्रम के अगले चरण में विभिन्न योजनाओं के चमोली जनपद के जो लाभार्थी हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा सम्मानित किया जाना है। श्री मुकेश दास गंगानगर समाज कल्याण विभाग से आपको अटल आवास योजना अंतर्गत प्रतीकात्मक भवन की चाबी प्रदान की जाएगी। श्री मुकेश लाल नंदानगर, श्री मथुरालाल पोखरी, श्री मुकेश लाल समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अटल आवास योजना अंतर्गत निर्मित भवनों की प्रतीकात्मक चाबी श्री मथुरालाल पोखरी से इसके बाद शहरी विकास विभाग से श्रीमती नीलम देवी पत्नी श्री शक्तिचंद 60,000 रुपए की द्वितीय किस्त शहरी विकास विभाग प्रतीकात्मक चेक भेंट किया जा रहा है आपको सम्मानित मंच के द्वारा। श्रीमती राजेश्वरी देवी उद्योग विभाग विकास क्रम 50,000 रुपए का अनुदान उद्योग विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत राजेश्वरी देवी जी को 50,000 फोन आ रहा चले नहीं चले मेरे को अभी नहीं चले कल तो नहीं है। श्रीमती मंदोदरी देवी पति श्री पीएम सिंह स्पेयर यही है ना। उसके पश्चात मत्स्य विभाग द्वारा संचालित